दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल मोबाइल ऑफिशियल में। तो आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, यह है वीवो का Y21। आपको बताएंगे इसका FRP बाईपास किस तरह हम कर सकते हैं विदाउट PC। तो आइए आपको बताते हैं, ये वीवो का Y21 है, लेटेस्ट वर्जन है। तो आइए आपको बताते हैं इसका FRP लॉक किस तरह हम हटा सकते हैं। तो बने रहें वीडियो पे, वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले हमें यहाँ हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो को थोड़ा हमने आगे बढ़ा दिया था। यहाँ से डोंट कॉपी करना है। यूज़ माई गूगल अकाउंट, अगर आप अपना गूगल अकाउंट मालूम है तो यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ आगे हम अपना गूगल आईडी जो है वो यहाँ से लगा के बाईपास अपना फ़ोन हम कर सकते हैं। लेकिन आपको ईमेल और फ़ोन, ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं मालूम है तो आइए आपको बताते हैं, फिर वापस चलते हैं। नो परमिशन इनेबल माइक, नो परमिशन इनेबल वॉइस टाइप, यानी ये ऑप्शन भी इसमें से हटा दिया है। तो आइए आपको आगे लेके चलते हैं। हमें अब यहाँ एक सिम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार यहाँ से देखते हैं, यहाँ टॉल्क बार को यहाँ हमें ऑन करना है, ठीक है। टॉल बार शॉर्टकट, इसको हमें यहाँ से ऑफ कर देना है। ओनली ये नहीं, ये वॉइस, यूज वॉइस कमांड, ओपन गूगल असिस्टेंट। ओपन द यूट्यूब, उसके जाने के बाद हमें यहां से टाइप करना है। वहां फर्स्ट में वॉइस कमांड जब हम देंगे तो वहाँ हमें बोलना पड़ेगा गूगल असिस्टेंट। उसका ओपन होने के बाद हमें बोलना पड़ेगा ओपन द यूट्यूब, उसके बाद हमारा यूट्यूब ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें टर्म्स एंड सर्विस पे जाना है। Showing
यह हमें यहाँ टाइप करना है वी एन आर ओ एम वी एन रोम बाईपास उसके बाद हमें यहां से सेटिंग को ओपन कर लेना है बाईपास गूगल अकाउंट सेटिंग्स टू फिंगर से ये फोन चलेगा ठीक है। टू फिंगर से जाने के बाद हमें यहां शॉर्टकट में जाना है। शॉर्टकट में जाने के बाद हमें इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद टॉक बैक ये रहा यहाँ, इसको ओके करना है। यहाँ से हमें इसे बंद कर देंगे, यहाँ से हमें इसको ऑफ कर देना है ठीक है। तो उसके बाद हमें वापस बैक आना है, बैक आना है, उसके बाद फिर बैक करना है। उसके बाद हमें यहाँ से इजी टच, इसको यहाँ से इजी टच को यहाँ से ऑन कर देना है ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक जाना है, बैक जाने के बाद यहाँ से इसको यहाँ कर देना है ये। उसके बाद शॉर्टकट में जाना है। शॉर्टकट में जाने के बाद हमें यहाँ से उसके बाद हमें यहाँ से इजी टच को ओपन करना है। इजी टच को ओपन करने के बाद कस्टमाइज मीनू, इसमें जाना है, इसको ओके करना है। इसको ओके करने के बाद मैसेज के बराबर में क्लिक टू ऐड, इसको ओके करना है। यहाँ से ऐड करने के बाद हमें अब नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद देखते हैं, ईजी शेयर को भी यहाँ से क्लिक कर लेना है। इजी शेयर के बाद हमें यहाँ हॉट एप्स, इसको भी यहाँ से क्लिक कर लेना है ठीक है। उसके बाद इजी शेयर को हमें यहाँ से क्लिक कर लेना है। इजी शेयर के बाद हमें क्या करना है, यहाँ रिसीव सेंड, इसमें फ़ोन क्लोन को यहाँ से ओके कर लेना है ठीक है। तो उसके बाद हमें एक फ़ोन की, दूसरे फ़ोन की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। दूसरे फ़ोन में हमें क्या करना है, दूसरे फ़ोन में हमें प्ले स्टोर पर जाके, प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ से क्विक शॉट मेकर, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है ये रहा ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें इजी शेयर पे जाना है। इसमें
ये वाला ऑप्शन है फ़ोन क्लोन, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद ठीक है हमें यहाँ न्यू फ़ोन पे क्लिक करना है, उसके बाद एंड्रॉयड पे जाना है, ओके गेट करना है, उसके बाद ऑल ऐप्स को यूज़ कर लेना है ठीक है। उसके बाद यहाँ हमें इस फ़ोन में ओल्ड फ़ोन पे करना है, यहाँ एक बार कोड आएगा ठीक है। बार कोड आने के बाद हमें इसको यहाँ से स्कैन कर लेना है ठीक है। हमारे दोनों फोन यहाँ से स्कैन हो गए हैं, हमारा फोन कनेक्ट हो गया है। हमें क्या करना है, इस वाले फोन में सबको अनक्लिक कर लेना है। इसको अनक्लिक किया, इसको अनक्लिक किया, इसको अनक्लिक किया, मैसेज को अनक्लिक किया, सिस्टम को अनक्लिक किया, इमेज को अनक्लिक किया, इसको भी अनक्लिक किया ठीक है। उसके बाद हमें एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में हमारी ये वाली ऐप जो है क्विक शॉट मेकर, यहाँ ये वाली ये रही, इसको यहाँ से क्लिक कर लेना है और ओके कर लेना है ठीक है। उसके बाद स्टार्ट कर लेना है, उसके बाद हम हमारा पासवर्ड मांगेगा उसको लगा देना है ठीक है। तो यहाँ से कंफर्म कर लेना है, इसको इसको ओके कर लेना है यहाँ से। तो फाइनली हमारी जो ऐप्स है इसमें फ़ोन में हमारे वाले फ़ोन में आ चुकी है ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसको यहाँ से डन करके हटा देंगे ठीक है। इस वाले फ़ोन को एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करना है, ओपन करने के बाद ये हमारा क्विक शॉट मेकर यहाँ ओपन हो जाएगा ठीक है। यहाँ से इसको ओके कर लेना है, यहाँ से ओके करने के बाद हमारा जो इसमें आएगा फैक्ट्री टेस्ट, नहीं यहाँ से इसको क्लिक हो गया, यहाँ से हटा देना है इसको, ये वाला आ गया हमारा फैक्ट्री टेस्ट, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से ट्रू करना है, इसको यहाँ से नहीं आएगा तो वापस बैक करो, उसके बाद दूसरे पे जाओ, इस पे जाओ, इस पे जाने के बाद ये देखो ये दूसरा वाला ऑप्शन है ये रहा, इसको ओके करो यहाँ से। उसके बाद इस थर्ड वाले ऑप्शन पे जाओ, थर्ड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, पूरा दिख नहीं रहा था, फैक्ट्री टेस्ट पे जाना है, उसके बाद इसको करना है, उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है। थर्ड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद बैक टू होम, बैक टू होम को यहाँ से क्लिक करना है। उसके बाद दो ऑप्शन आएंगे चाइनीज़ और इंग्लिश, इंग्लिश पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है कि हमारा फ़ोन जो है कि फाइनली FRP बाईपास हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है। तो ये हमारा Vivo का 21 फ़ोन है।